मेरा नाम डॉक्टर सुशील वातल है। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन का क्या महत्व है कश्मीरी लोगों में और यहाँ पर कौन सी माता रानी का मंदिर है? ये सेलिब्रेशंस है, ये माता महाराजा का एक बहुत बड़ा दिन है। अगर आप इस हिस्ट्री देखें जो महाराजा प्रादुर्भाव में माता खीर भवानी का सारा वर्णन है कि माता खीर भवानी या माता राजा क्या है। इसमें ऐसा है कि पहले ये श्यामा के रूप में लंका में थी, रावण के पास थी। वहाँ जो आहार इनको दिया जाता था, जो भोग चढ़ाया जाता था, वो राक्षस प्रवृत्ति का था। इससे माता नाराज़ हो गई और वो कुपित उसको बोलते हैं, वो वहाँ रही मगर कुपित थी, बहुत नाराज़ थी। जब भगवान राम ने लंका जीती उस समय हनुमान जी सब जगह गए तो माता श्यामा ने हनुमान जी को बोल दिया, मैंने कश्यप प्रदेश जाना है, कश्मीर जाना है, जहाँ की भूमि बहुत नरम है, रुई की तरह नरम है। तो हनुमान जी के साथ श्यामा भगवती, जिसका नाम यहाँ राजा है, वो अपने 360 नागों के साथ कश्मीर आई। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने प्रस्थान रखा, जहाँ जहाँ रुके, वहाँ वहाँ माता राजा खीर भवानी का मंदिर इस समय भी सारे कश्मीर में है। लगरीपोरा में है, टिकर में है, रैथन में है, बैदपुरा में, लास्ट में माता जहाँ इसने बैठना था, तुलमुला जगह, खीर जो जगह है, इस गांव का नाम तुलमुला है, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ आके बैठ गई। ये मार्शी लैंड थी उस टाइम भी, वहीं आके बैठ गई माता रानी। वहाँ बैठी, लोग पूजा कर रहे थे। अगर आप अभी देख लें, पहले इसको ददरहामा एक जगह है, वहाँ से नाव में चले जाते थे, ये लैंड नहीं था वहाँ। फिर कालांतर में ऐसा एक ऐसा समय आया जब माता रानी लुप्त हो गई। लुप्त होने के बाद में एक बहुत बड़े वक्त थे माता रानी के, तो उनके पास उनको सपने में माँ आई, बोला मेरा प्रादुर्भाव अब फिर होना है। उन्होंने बोला, माँ मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूँ, पानी ही पानी है। बोला, आप नाव में चले आ जाओ, सांप आपके सामने सामने चलेगा, जहाँ रुक जाएगा वहीं। वो बैठ के, टिकलाल जी उनका नाम था, वो बैठे वहाँ, आ गए वहाँ बैठे, और जहाँ वहीं से माता का ये दोनों मूर्तियाँ, भूतेश्वर और महाराजा की मूर्ति निकली, जहाँ आज ये चश्मा है। संसार में एक ही जैसा चश्मा है जिसका रंग बदलता है और इसका आकार डिफरेंट है, जिसमें माला फिर माँ जिस जो माला फिरते हैं ना, वैसा ही है। ये बीच में शुभिंदु है, वहाँ माता विराजमान। पहले एक छोटा सा मंदिर था, फिर महाराज प्रताप सिंह ने, डोगरा महाराजा जो थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया है, क्योंकि वो धर्मपरायण बहुत अच्छे महाराज थे, उन्होंने ये मंदिर बनाया, अभी भी धर्मा ट्रस्ट के अंडर है। ये इस चश्मे का रंग जैसे हालात प्रदेश में होंगे, देश में होंगे या संसार में हो, वैसे रंग इसका बदलता है। कुछ अनहोनी होनी होती है तो काला या लाल हो जाता है, वरना माता के कुंड का रंग जो है वो बादामी, हरा हल्का या गुलाबी, हल्का गुलाबी होता है। माता वहाँ विराजमान है। जब वो कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल के आया, 90 में जब विस्थापित हो गए, माता का अपार भक्त, जो इनकी बहुत ज़बरदस्त श्रद्धा, ये थोड़ी कश्मीरी पंडितों की माँ है, ये तो जगत जननी है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। हम कैसे इसको किसी संप्रदाय, किसी जाति के साथ इसको जोड़ें, यो नहीं हो सकता है। हम यहाँ जब वहाँ से हम लोग आए, तो कुछ वक्त जो वहाँ पूजा करते थे, उन्होंने यहाँ गंगियाल में भी एक घर में यही रात की पूजा होती थी, प्यारेलाल रैना के घर में। फिर जाके ये छोटी सी जगह ले ली, मंदिर बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, एक कमरा बनाने का प्रोग्राम था, जहाँ पूजा हो सके। मतलब
मगर माता रानी की मर्जी थी कि बिखरे हुए मोतियों को फिर से परोना है। माता रानी ने सब बिखरे हुए परोने मोतियों को परो के ये विशाल मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ। वैसे ही निर्माण हुआ, रेप्लिका है, जैसे वहाँ है वैसे, जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान नहीं है, माँ यहाँ भी है वहाँ भी है। ये इस प्रदेश जम्मू के लिए एक सुखदायी है ये कि माता का आसन यहाँ है, स्थान यहाँ है। वैसे ही पूजा पद्धति होती है, ये जो मंदिर है अर्धरात्रि महाराजा सेवा संस्था के अंडर एक है, मैनेजमेंट के अंडर है। यहाँ जो वहाँ पूजा होती थी वैसे ही होती है। आप ये देख लीजिए कितने लोग यहाँ हैं। आज रात 3 बजे से पहली संगत आई जिन्होंने माता के दर्शन किए। 3 बजे रात भर भजन चलते रहे, अभी लंगर चल रहा है, हवन हो गया, सब कुछ अभी रात भर चलेगा ये। और ये महाराज्ञा भगवती की एक बहुत बड़ी दया है हम सब भक्तों पर। हे महामाया, हे जगदम्बा, आप इस प्रदेश के लिए, हमारे भारत के लिए और संसार के लिए सुख और शांति का वरदान दें। नमस्कार। खीर भवानी की है, भवानी माँ की है। तो ये कश्मीर में तुलमुला होता था, वहाँ पर होती थी पूजा, असली पूजा वहाँ पर थी। अब यहाँ पर भी रेप्लिका इसका है, हम यहाँ पर पूजा करते हैं। एक अब तो सरकार की तरह से भी कल गाड़ियाँ भी गई थी कश्मीर में। हाँ जी हाँ जी, काफ़ी लोग गए थे, आप लोग क्यों नहीं वहाँ पर गए? कितने लोग जा सकते हैं? सारे तो नहीं जा सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, इतनी गाड़ियाँ हो जाती। तो हम यहाँ पर आकर कर रहे हैं, इसी की पूजा। क्या मनोकामना की माँ भवानी के आगे? पीस, खुशहाली, सेहतमंद सारे रहें, दैट इज ऑल, बच्चे खुशहाल रहें, दैट इज द मेन। ये माता खीर भवानी की पूजा की जा रही है, जिसका कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तुलमुल में। तो जम्मू में भी ये काफ़ी सालों से सेलिब्रेट हो रहा है, तो एवरी ईयर वी कम टू दिस प्लेस एंड डू पूजा एंड ऑल। बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से की जाती है पूजा एंड वी प्रे टू गॉड, सबके लिए हम प्रे करते हैं हर साल। तो वही है यहाँ पर, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों को, इंस्पाइट की कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर हर साल।